Hello everyone, welcome to Learn Psych Bytes. How are you all doing? I hope you all are doing great and performing well in your studies. If not, this is the time when you buckle up. ये टाइम है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. गेट रेडी टू क्लियर योर लूज कॉन्सेप्ट्स इन टुडेज़ वीडियोस. वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक, ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट. तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इस टॉपिक को हम ऑलरेडी, ये जो टॉपिक है 2019 के पेपर में आ चुका है साइकोलॉजी के. सो इस टॉपिक पे इस ईयर में आ चुका है तो 2020 में भी आ सकता है क्योंकि साइबर साइकोलॉजी में फॉलो हो रहा है. सो आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल देन ओनली एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक. सो व्हाट डू यू सी, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको क्या लग रहा है? सो हमारा जो टॉपिक है, अगर उससे कनेक्ट किया जाए ऑनलाइन डिसइनहिबिशन, तो उससे ये हो रहा है कि वर्ल्ड्स आर वेरी अपार्ट. मतलब इंडिया से देखो ये कंट्री अपार्ट है, बट ड्यू टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन वी आर कनेक्टिंग विद एवरीवन. तो जब ऑनलाइन जब सब कुछ ईजिली होगा तो लोग बदलेंगे. वी आर कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल. सी डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो क्या होगा इससे? इससे होगा क्राइम बढ़ेगा ही. अलग अलग चीज़ें हो रही हैं. सी वी आर यूजिंग ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, सब कुछ वगैरह यूज़ हो रहा है तो थिंग्स विल चेंज, क्राइम्स होंगे. तो साइबर साइकोलॉजी बेस्ड ये टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे. सो सुलर ने दिया है ये 2004 में. सुलर हैज़ गिवन दिस इन 2004 एंड एज यू कैन सी इसमें क्या होता है कि इनहिबिट क्या होता है, टू यू नो, उसको रोकना, उसको प्रेशराइज करना, उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना. तो सोशल रिस्ट्रिक्शन जो होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, रिस्ट्रिक्शन विच इम्पोज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यू नीड टू सिट इन अ सर्टन पोजिशन, सर्टन क्लोथिंग होना चाहिए इस फंक्शन में जा रहे हो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करने के लिए, तो दैट इज़ हियर लूज. इसमें ये लूज हो जाता है. एंड वो क्या करता है कि नॉर्मली फेस टू फेस वाली चीज़ें ख़त्म कर देता है, तो जो इंटरनेट में इंटरेक्शन होता है. तो ये 2004 में सुलर ने दिया था. राइडर यूनिवर्सिटी में थे. ही पब्लिश द आर्टिकल द ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट विच एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट. सो व्हाट हैपन हियर कि ऐसा नहीं है कि ये टर्म इन्होंने जब रिसर्च किया तभी, पहले से ही टर्म यूज़ में था. इट्स जस्ट दैट हिज पेपर गॉट पब्लिश इन 2004. सो दिस इज़ नॉट यू नो समथिंग न्यू टॉपिक विच द एनटी हैज़ आस्क्ड इन पेपर. So we need to be aware of the different branches also in psychology, cyber psychology, peace psychology. We need to cover those also to get updated with the NTA questions. So now what happens ki unhone bataya ki do category mein unhone bola online disinhibition fall hota hai. So these are the two categories. Ek to benign disinhibition ho gaya, दूसरा टॉक्सिक डिसइनहिबिशन हो गया. तो बिनाइन डिसइनहिबिशन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अपने बारे में डिस्क्लोज करेंगे. दे विल गो वे आउट ऑफ यू नो, जितना वो हेल्पफुल है नहीं उतना इंटरनेट पे अपने बारे में डिस्क्लोज करना, वे आउट ऑफ द बॉक्स टू हेल्प उतना वो है नहीं. एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक सब रूड लैंग्वेज, पोर्नोग्राफी, अजीब अजीब विजिट करना प्लेसेस, क्राइम, वायलेंस, ऑल दो वो रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे. दीज थिंग्स अलग अलग कैटेगरीज है, बट रियल लाइफ में उन दोनों में वो नहीं करेंगे. बट ये डिफरेंस, टॉक्सिक वाले में आप देख सकते हो कितना नेगेटिव एंड बेनाइन वाले में क्या है, दे डिस्क्लोज काइंडनेस वगैरह, गेट आउट ऑफ द वे. नाउ सी आई विल टेल यू एवरीथिंग. इससे आप बेनाइन डिसइनहिबिशन को रिलेट कर सकते हैं. मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ऑल्दो इट्स अ स्ट्रेंजर. Next root, the toxic disinhibition, talking in a rude language, abusive, not talking in a proper way as the person would have talked in a face-to-face interaction. So the reason Suler ne kya kiya in cheezon ko, he put a six factor, inhone jo cause hai disinhibition ka six factors mein unko divide kar diya. This clearly explains ki social disinhibition kyun hota hai, causes hai. Ek to hai dissociative anonymity. तो इंटरनेट पे क्या होता है, आप कभी भी आ सकते हैं एंड एनोनिमसली आपको कोई जानेगा नहीं. आप फेक नाम से आईडी बना सकते हैं, इवन यू डोंट इवन टू पुट अ नेम. आप कुछ किसी भी नाम से, यू कैन डू एनीथिंग एक तरीके से. जब मानो आप आए, कमेंट किया, यूज़ किया, सर्व किया, सो दैट इज़ डिसोसिएटिव एनोनिमिटी. इनविजिबिलिटी, यू नो, एक तरीके से मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनेट हैपन्स थ्रू टेक्स्ट. वो आपको सामने से नहीं देख रहा है, यू आर जस्ट टेक्स्टिंग इट, कॉमेंटिंग इट. तो एक तरीके से वर्बल वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वर्चुअल. ओके, तो एसिंक्रोनिटी,
एसिंक्रोनोसिटी। सिंक्रोनोसिटी में क्या होता है, ईमेल एंड मैसेजेस ब्रॉड कन्वर्सेशन डू नॉट हैपन इन रियल टाइम। रियल टाइम में नहीं हो रहा है, इट्स लाइक एनी टाइम यू कैन लॉक ऑफ, यू नो तुम्हारा अभी मन वो हो गया कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग हो गई, तो यू कैन लॉग आउट और उस टाइम पे बात वहीं पे पॉज हो जाएगा। यू कैन फ्लिप इट, यू नो अलग पर्सोना में आप चले गए, अलग दुनिया में, इन रियल वर्ल्ड। तो ये है एसिंक्रोनोसिटी। एंड सोलिप्सिस्टिक, सोलिप्सिस्टिक इंट्रोजेक्शन क्या है कि फेस टू फेस जो क्यूज होते हैं और वो कि ऐसे ऐसे होगा, ये इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपके हेड में वॉइस होता है, आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे कि आप उसको शेप करते हैं कि यार दिस फ्रेंड हैव माइंड माइट बीन लाइक दिस। अब जैसे जैसे यू रीड द टेक्स्ट यू विल हियर देयर वॉइसेज। सो आप अपने इमेजिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन यू प्रिपेयर दिस पर्सन। सो दैट इज सोलिप्सिस्टिक इंट्रोजेक्शन। नाउ द डिसोसिएटिव इमेजिनेशन, पीपल माइट सी साइबर स्पेस इन डिसोसिएटिव इमेजिनेशन, इट्स लाइक इट्स जस्ट अ गेम, यू नो। तो यू डोंट यूज नॉर्मल एवरीडे इंटरेक्शन एंड यू विल बी इन योर ओन जोन कि आई कैन डू एनीथिंग, यू नो अभी ये कह दिया अभी वो कर दिया। इट्स जस्ट गेम, इट्स नॉट यू नो अ नॉर्मल ह्यूमन या फिर जिसको मैं जानता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दीज आर द रीजन वाई दिस ऑनलाइन डिसइनहिबिशन केम इन एक्शन। उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या रोकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। And the last is minimization of status and authority. So authority figure expressed क्योंकि जैसे कि in reality you might be a professor, but the online might not, the online platform might not, you know, explicitly present you in that way. So this can minimize the status and authority जो कि reality में the respect and the way people might be doing conversation with you, online people might not be doing the conversation in that way, वो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। सो ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज जो कि उस टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हियर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट मिनिमाइजेज योर स्टेटस एंड अथॉरिटी। सो नाउ वी विल गो इन डिटेल वन बाय वन। सो द फर्स्ट, डिसोसिएटिव एनोनिमिटी, यू डोंट नो मी। व्हेन यू फील एनोनिमस, आपको ये लगता है कि यू नो दिस पर्सन डजंट नो मी, तो मुझे जानता नहीं है, यू फील एनोनिमस, आपको लगता है उस टाइम पे। तो क्या होता है, यू फील प्रोटेक्टेड। इफ़ यू फील एनोनिमस देन यू फील प्रोटेक्टेड, एंड बाई रिमेनिंग एनोनिमस यू डू नॉट हैव टू ओन द बिहेवियर, यू नो लाइक इफ समवन डजंट नो मी इन दिस सर्टन प्लेस देन आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन चेंज एंटायर माई पर्सनैलिटी। लोगों को पता नहीं है कि हाउ आई यूज टू बी इन द स्कूल और कॉलेज, सो इन द न्यू कॉलेज आई कैन बी एनी वन आई वॉन्ट टू बी, आई कैन ट्राई न्यू थिंग्स। सो दैट्स या रिलेटिवली वैसा ही कुछ है, यू डोंट नो मी डिसोसिएटिव एनोनिमिटी में। तो ऑनलाइन दे फील वेरी प्रोटेक्टेड कि नो वन नोज मी, आई डोंट हैव टू ऑन माई बिहेवियर, आई कैन डू एनी थिंग, आई डोंट हैव टू, यू नो कि लोग बोलेंगे यू नो यू हैव बीन लाइक दिस, हाउ कैन यू डू दिस, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। तो दैट्स वॉट, यू डू नॉट हैव टू ऑन योर बिहेवियर। सो एनोनिमिटी हेल्प्स यू टू फील लेस वल्नरेबल, को उतना उसकी वजह से टेंशन नहीं होता है अपने बारे में डिस्क्लोज करने में या इंगेज होने में, कुछ गलत भी कर रहे हो या हार्मफुल बिहेवियर भी कर रहे हो, क्योंकि यू डोंट हैव टू ओन, सो यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो डिसोसिएटिव एनोनिमिटी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट हो जाता है इनविजिबिलिटी, क्योंकि आपको कोई देख नहीं सकता है। इंटरनेट ऑफर्स यू नो एक तरीके से वो शील्ड, एक प्रोटेक्शन दे देता है। जैसे कि आप फिजिकली होते तो आपको देखता, तो यू हैव टू यू नो लाइक कि ओ ये मुझे जानते हैं, ही और शी नोज मी फ्रॉम चाइल्डहुड, आई कांट डू दिस, ऐसा फैमिली पे ना सर। सो वहाँ यहाँ ये खत्म हो जाता है, यहाँ वो खत्म हो जाता है। आपको वरी नहीं करना कि मैं कितना रूडली बोल रहा हूँ, मेरा क्या बॉडी लैंग्वेज है, मैं कौन से कपड़े पहन के बैठा हूँ। तो यू नो इट्स नॉट दैट इशू, तो वेन जैसे कि आपको नॉर्मली कम्युनिकेट करने में फेस टू फेस में होगा। तो इनविजिबिलिटी ऑल्सो प्रोवाइड यू, ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट में असर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज एसिंक्रोनोसिटी, सी यू लेटर। सो दिस इज़ दैट कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेने को देता है ये, यू गेट मोर एंड मोर टाइम टू थिंक, यू नो कि शुड आई पोस्ट दिस या आई पोस्ट दैट वन, जो कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में इफ आई आस्क यू कि हे हाय व्हाट्स गोइंग ऑन और हाउ इज़ योर बॉयफ्रेंड एंड हाउ इज़ योर कॉलेज एग्जाम, तो आपको उस टाइम सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बट वेन यू आर इन दिस इन द ऑनलाइन वर्ल्ड इन ऑफ द इंटरनेट वेयर द वर्ल्ड कनेक्ट्स वेरी फास्टर, सो हियर वॉट विल हैपन कि यू विल गेट मोर टाइम टू थिंक केयरफुली, आप लॉग आउट कर लोगे, यू विल थिंक बिफोर स्पीकिंग बिफोर पुटिंग द टेक्स्ट एंड दिस विल गिव यू मोर टाइम। सो दिस लेसन्स द प्रेशर, एक तरीके से प्रेशर कम करता है जो कि रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में था, तो वो होता है एसिंक्रोनोसिटी। सी यू लेटर। नाउ द नेक्स्ट, सोलिप्सिस्टिक इंट्रोजेक्शन, सो इट्स ऑल इन माई हेड। तो इसमें क्या होता है कि यू इन योर ओन साइकिक वर्ल्ड, आपकी एक अलग ही दुनिया है, आप उससे अपने पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हर चीज़ को उससे उसको बांध देते हैं एंड उसी मैं सोचती हूँ कि यू नो ही लुक्स क्यूट, ये ऐसी ऐसी है तो ही माइट बी परफेक्ट, यू नो ऐसा ऐसा करके। तो क्या होगा,
जैसे मैं इमेजिन कर रही हूँ वैसे ही मुझे वॉइसेस हियर होंगे, हाय बहुत स्वीटली उसका वॉइस में दूंगी, और अ वेरी यू नो लाइक द डीपर वन वॉइस, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग ही माइट बी अ दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो एक्सपेक्टेशंस मैं इसको शेप कर दूंगी कि इसका वॉइस ऐसा होना चाहिए, ही माइट बी इन दिस रियल लाइफ ये तो इट्स लाइक ये दिस आर ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, दिस इज दिस. सो दिस लीड्स टू फीलिंग मोर कम्फर्टेबल टॉकिंग टू, बिकॉज यू हैव शेप्ड द पर्सन बाई योर एक्सपेक्टेशन, तो यू विल फील मोर कम्फर्टेबल टॉकिंग टू दैट पर्सन, एंड दिस लीड्स टू डिसइनहिबिशन. इसकी वजह से ये होता है. नाउ सो the second last dissociative imagination, it's just a game. तो क्या होगा इसमें कि यू नो जब आपका मन करे यू कैन लॉग आउट और लॉग इन, किसी ने रूड या नेगेटिव कॉमेंट दे दिया तो यू कैन शट ऑफ, यू नो आपको पूरा एक टाइम मिल जाएगा कथारसिस के लिए कि दिस इज लाइक ठीक है आई टेक माई टाइम एंड देन आई रिप्लाई, आई एम ऑल्सो इन द गेम. तो इसमें क्या होता है कि यू कैन चेंज योर पर्सोना अचानक से, क्योंकि आप लॉग आउट हो गए तो यू विल बी समवन एल्स, आपने लॉग इन किया तो देन यू विल बी द यू नो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो द वे यू यूज टू पोर्ट्रे. तो इसमें क्या हो जाता है इट्स जस्ट अ गेम में यू जस्ट कीप चेंजिंग ऑन, यू नॉट द रियल वन, जो कि रियल रियलिटी में यू हैव बीन, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है. सो दिस इज व्हाट डिसोसिएटिव इमेजिनेशन इट्स जस्ट अ गेम में होता है. सो लेट्स गेट टू दिस मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेटस एंड अथॉरिटी, जो कि अभी डिस्कस किया था सिक्स फैक्टर में. सो हियर्स रूल डोंट अप्लाई, कि जैसे नॉर्मल लाइफ में जैसे मैंने बताया कि प्रोफेसर हो आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा आपसे, जो द वे पीपल विल टॉक द वे स्टूडेंट्स विल अप्रोच यू, दैट्स अ डिफरेंट. हियर द पीपल माइट नॉट फील दैट पावर द अथॉरिटी, दे विल यू नो ऑफरिंग यू मोर और लेस इक्वल, यू नो लाइक सबकी तरह दे विल ट्रीट यू लाइक एवरी वन. सो दिस माइट make you know allow you to feel more disinhibited and engage others more as a peers, not as a authorities. So children might be also like hello, they want to put a salutation, hello ma'am and all, and they will not feel so pressured to talk in a certain way, they will treat you as a peers. To ye the 6 factors jo ki humne ki online disinhibition mein. So that's it for today. I hope you liked the video, then give a thumbs up, like the video. And if you think someone else might need to cover this topic, then share with them. And don't forget to subscribe. And if you find any query, then comment below. And we'll cover other topics. So to be tuned with it, do subscribe the channel.